कासगंज के सोरो विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गुड़गुड़ी में उमस और गर्मी के कारण एक बच्चा बेहोश हो गया। इसके बाद स्कूल के शिक्षकों ने बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही बच्चे के परिवार वालों को जानकारी दी। इसी बीच सिद्धपुरा के प्राथमिक विद्यालय में भी एक बच्चा अचानक बेहोश हुआ। बताया जा रहा है कि जनपद परिषद के शासकीय स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने के मामले पहले भी आ चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी स्कूल में गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों की सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्कूलों में लाइट पंखे तक है नहीं, इसी कारण बच्चों को उमस के बीच में बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है।